चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। और आर आर स्टेडियम फ्लॉल सिस्टम का ये मैदान है। इस वेन्यू को यूनिवर्सिटी ऑफ तश्मीनिया भी कहते हैं। और आप देखो इस वेन्यू के ऊपर जो लास्ट मैच था 20 तारीख को मैच था इसी साल 2023 के अंदर रॉबर्ट हरिकेन्स और पर्स कॉचेस का। क्या होता है इस क्लैश के अंदर आप देखें, पर्स कॉचेस पहले बैटिंग करने आती है, 186 बनाती है 4 विकेट गवा के। बहुत अच्छी पारी थी यहाँ पे सोफी डिवाइन की, कुछ 80 रन बनाए थे 40 गेंदों के अंदर। फिर यहाँ पर जो होम टीम थी रॉबर्ट हरिकेन्स टारगेट चेस करने आती है और 88 रन पे ऑल आउट हो जाती है। उससे पहले की बात करें जो टीम पहले बैटिंग करने आई 95 पे 9 विकेट गवा देती है, टारगेट देती है 96 का। फिर जो टीम चेस करने आती है तो 17 ओवर के अंदर टारगेट चेस कर जाती है और 8 विकेट से जीत दर्ज करती है। 146 बना, 147 का टारगेट दिया। जो टीम चेस करने आती है 109 पे 9 विकेट गवा देती है। उससे पहले 170 बना, जो टीम चेस करने है 160 बना पाती है, 133 बना टारगेट चेस नहीं हुआ। तो इस वेन्यू के ऊपर आमतौर पर टीम्स बैटिंग फर्स्ट करना पसंद करती है। पिछले 5 में से 4 मैचेस यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीते गए हैं, एक मैच यहाँ पे चेस करते हुए जीता गया है। अब आप देखें रॉबर्ट हरिकेन्स का होम ग्राउंड है और रॉबर्ट हरिकेन्स ने इस वेन्यू के ऊपर 11 मैचेस खेले हैं, 6 मैच जीता है, 5 मैच हारा है, बहुत खराब खेला उन्होंने। वहीं सिडनी थंडर बहुत अच्छे फॉर्म में चल रही है साल बिग बैश लीग के अंदर। इनके पास समायर अतुपतु है, बहुत रन कर रही है, हिदर नाइट फॉर्म में, पॉबी लिटचीफील्ड फॉर्म के अंदर है, इनके पास मर्जाने कैप भी है। तो आप देखें ये जो स्टैट्स हैं बदलेंगे। सिडनी थंडर यहाँ पे 5 में से 2 मैचेस जीती है, बट इस मैच में मेरी फेवरेट है सिडनी थंडर इस क्लैश के लिए। प्रति ओवर 7 के आसपास रन्स बनते हैं। और इस वन्यू के ऊपर जो लास्ट मैच खेला गया था 20 अक्टूबर को इसी साल, रॉबर्ट हरिकेन्स पर्स कॉचेस का मैच था, 7 विकेट वहां पे पेसर का था और 6 विकेट यहाँ पे स्पिनर्स का था। ओवरऑल इस वन्यू के ऊपर पेसर्स ने लास्ट 5 मैच के अंदर 33 विकेट निकाला है, पहली पारी में 12, दूसरी पारी के अंदर 21 है। राइट आर्म पेसर्स के 33 विकेट से लेफ्ट आर्म पेसर ने यहाँ पर एक भी विकेट नहीं निकाला। स्पिनर्स की बात करें 26 विकेट है, पहली पारी में 11, दूसरी पारी के अंदर 15। तो आप दोनों तरफ देखोगे सेकंड इनिंग्स में ज्यादा विकेट है, आप दोनों को ऐड करते हो पेसर और स्पिनर्स को, सेकंड इनिंग्स में कुल मिला के इन्होंने 36 विकेट निकाले। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 36 विकेट निकाले हैं पहली पारी दूसरी पारी में, और पहली पारी के अंदर पेसर और स्पिनर ने मिलकर 23 विकेट्स निकाले। ये डिफरेंस है, इसलिए जो टीम पहले बैटिंग करती है वो यहाँ पे जीती हुई सेकंड इनिंग्स में ज्यादा विकेट निकाल लेती है। ऑफ स्पिनर्स का 15, लेग स्पिनर्स का 5, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 6 विकेट है। अब मैं आपको पिचेस की फोटोज की तरफ लेके चलता हूँ। ऐसी पिच यहाँ पर दिखती है लॉन्सेस्टन के ऊपर, ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा ट्रैक रहता है। सामने की बाउंड्री लड़कों के मैच में बहुत बड़ी होती है, लड़कियों के गेम में सामने की बाउंड्री आपको 60 मीटर की दिखेंगी और स्क्वायर बाउंड्रीज भी आपको यहाँ पे 60 मीटर की दिखने वाली है। ये स्टेडियम का व्यू आप देखो, बहुत ही प्यारा स्टेडियम है। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट पिक्चर होती है स्टेडियम की, क्यों होती है मैं आपको बताता हूँ। ये स्टेडियम है ठीक है, और यहाँ पर आसपास कुछ नहीं है, कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, बड़ी बड़ी इमारतें नहीं है, नॉर्मल छोटे छोटे घर है और पास में पहाड़ है। वन ऑफ द पिक्चर स्टेडियम है तश्मीनिया के अंदर, इवन बेलेरेव ओवल से भी अच्छा स्टेडियम लगता है देखने के अंदर। बेलेरेव ओवल के पास तो एक समुद्र है जस्ट, नहीं देखिए आप स्टेडियम, ऐसा व्यू आता है स्टेडियम का। चलते हैं न्यूज़ की तरफ, कोई बड़ी